जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, लिविंग फैक्ट्स। ओके, आज हम लोग हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1, लिविंग फैक्ट्स। तो टेक आउट योर लर्न वेल। चैप्टर नंबर 1, लिविंग फैक्ट्स। लेट अस लर्न सम कॉमन फैक्ट्स रिलेटेड विद दिस लिविंग बींग्स। आइए हम इन जीवों के बारे में कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। आइए इन जीवों के बारे में कुछ फैक्ट्स से उसको हम लर्न करेंगे। ओके, चलो फर्स्ट वन, द कॉमन हाउस फ्लाई इज अ जर्म करियर। सामान्य जो घरेलू मक्खी मतलब कि हमारे हाउस फ्लाई जो होती है, घर पर मक्खी होती है, वो क्या है, जर्म करियर मतलब रोगाणु वाहक, उससे क्या होता है, रोग फैलता है। ओके, बिकॉज ऑफ इट्स हैबिट ऑफ सिटिंग ऑन एनिमल वेस्ट इट ट्रांसमिट्स अ लोट ऑफ डिसीज। बिकॉज कि वो कचरे पर बैठने की अपनी आदत के कारण बहुत सी बीमारियां फैलाती है, डिसीज यानी बीमारियां फैलाती है। द कॉमन हाउस फ्लाई इज अ जर्म करियर बिकॉज ऑफ इट्स हैबिट ऑफ सिटिंग ऑन एनिमल वेस्ट इट ट्रांसमिट अ लोट ऑफ डिसीज। मतलब कि जो कॉमन हाउस फ्लाई होती है, घरेलू मक्खी, वो रोगाणु वाहक मतलब कि जर्म करियर होती है, बिकॉज कि उसकी जानवरों के कचरे पर बैठने की आदत के कारण वो बहुत सारी बीमारियां फैलाती है। नेक्स्ट सेकंड वन, द ब्लू व्हेल मेक्स अ हाई पिच द साउंड विच कैन बी डिटेक्टेड ओवर 500 माइल्स अवे। ब्लू व्हेल है वे हाई पिच्ड साउंड मतलब एक तेज आवाज करती है, जिसे विच कैन बी डिटेक्टेड अवर 500 माइल्स अवे, 500 माइल्स अवे, जिसे हम 500 माइल दूर से भी पता लगाया जा सकता है, डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, द ब्लू व्हेल मेक्स अ हाई पिच्ड साउंड विच कैन बी डिटेक्टेड ओवर 500 माइल्स अवे। ब्लू व्हेल है वो एक तेज आवाज करती है, जिसे हम 500 माइल्स दूर से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एंड ओस्ट्रिच कैन रन फास्टर देन हॉर्सेस। ओस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग, जो आपको यहाँ पिक्चर दी गई है। ओके, एक शुतुरमुर्ग होता है, वो हॉर्स की तुलना में मतलब कि हॉर्स से भी ज़्यादा फास्ट रन कर सकता है। ओके, दौड़ सकता है। एंड द मेल्स कैन मेक अ बूमिंग कॉल विच रिजेम्बल द रोर ऑफ द लायन। और जो नर शुतुरमुर्ग मेल शुतुरमुर्ग होता है, वो तेज आवाज करता है, जो शेर की दहाड़ है उससे जैसी होती है, रिजेम्बल मतलब उसके समान होती है। ओके, एंड ऑस्ट्रिच कैन रन फास्टर देन हॉर्सेस मतलब ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग है, वो हॉर्स से भी ज़्यादा फास्ट दौड़ते हैं। ओके, फास्ट रन करते हैं। एंड द मेल्स कैन मेक अ बूमिंग कॉल विच रिजेम्बल द रोर ऑफ लायन मतलब कि जो नर शुतुरमुर्ग मेल शुतुरमुर्ग होता है, वो एक आवाज़ करता है जो शेर की जो आवाज़ होती है उसके समान होती है। ओके, नेक्स्ट, पेट एंड एंट कैन लिफ्ट 50
टाइम्स इट्स ओवन वेट एंड एंड, मतलब कि एक जो चींटी होती है वो अपने वेट से 50 टाइम्स ज़्यादा वेट उठा सकती है. ओके, एक चींटी है वो अपने वेट से भी 50 टाइम्स ज़्यादा वेट को उठा सकती है. ओके, नेक्स्ट वन, पोलार बियर्स आर फाउंड ओनली इन द नॉर्थ पोल. पोलार बियर आर फाउंड ओनली इन द नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल मतलब ध्रुव एरिया. पोलार बियर्स आर फाउंड ओनली इन द नॉर्थ पोल. पोलार बियर्स है वो नॉर्थ पोल में ही पाए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, लायनेस इज अ बेटर हंटर देन अ लायन. लायनेस मतलब कि शेरनी एंड लायन मतलब शेर. लायनेस इज अ बेटर हंटर देन अ लायन. शेरनी है वो शेर से बेहतर शिकारी होती है. लायनेस इज अ बेटर हंटर देन अ लायन. लायनेस मतलब शेरनी एंड लायन मतलब शेर. शेरनी शेर से बेहतर शिकारी होती है. ओके, एंड लास्ट वन, चिंपांजीज यूज लार्ज स्टिक एंड ब्रांचेस एज क्लब्स और थ्रो देम एट एनिमीज, पर्टिकुलरली लेपर्ड्स और ह्यूमंस. चिंपांजी यूज लार्ज स्टिक एंड ब्रांचेस. चिंपांजी है वो बड़ी स्टिक, लार्ज स्टिक को एंड ब्रांचेस यानी जो ट्री की ब्रांच होती है, शाखाओं. ओके, और थ्रो मतलब कि थ्रो करने में वो इस्तेमाल करते हैं उनके दुश्मनों पर, और पर्टिकुलरली कौन किस पर, लेपर्ड्स एंड ह्यूमंस यानी हम मनुष्य पर फेंकने के लिए वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. ओके, चिंपांजी यूज लार्ज स्टिक एंड ब्रांचेस एज अ क्लब्स और थ्रो देम एट एनिमीज, पर्टिकुलरली लेपर्ड्स और ह्यूमंस. चिंपांजी है वो अपने दुश्मनों पर्टिकुलरली लेपर्ड्स एंड ह्यूमन के ऊपर थ्रो करने के लिए स्टिक्स एंड ब्रांचेस का यूज करते हैं. ओके, तो ये सभी के बारे में कुछ फैक्ट्स थे जो हमें यहाँ फर्स्ट चैप्टर में दिए गए थे. ओके, थैंक यू एवरीवन.